Almighty God placed them in the firmament to give light to the earth, indicating that sun and the moon has its own light, which is in contradiction with established scientific knowledge that we have. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Nazreen. Deen Duniya channel mein aapko khush aamadeed kehte hain. Nazreen, mashhoor o maroof alim deen Dr. Zakir Naik aur Isai scholar Dr. William Campbell ke darmiyan ek azim o shaan munazra hua, jiske bare mein Isaiyon ko bahut yaqeen tha ki William Campbell jaise buland paya Isai scholar Dr. Zakir Naik ki bolti hi band करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब विलियम कैंबल ने अपने एतराजात उठाए और बाइबल के सच्चे होने पर घंटों तकरीर की, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मैदान में आए। माइक पर आते ही एक घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने बाइबल में मौजूद दर्जनों गलतियों की निशानदेही की और विलियम कैंबल के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अमूमन ऐसा होता है कि अगर दो अफराद के दरमियान मुनाजरा हो रहा है और दूसरा पहले की बहस के जवाब में अपने दलाइल रखता है, तो सुनने वाला किसी भी गलती की सूरत में उस पर एतराज उठाता है, मगर विलियम कैंबल वहाँ चुपचाप बैठे रहे। शायद उन्हें भी पता था कि बाइबल की असल शक्ल आज दुनिया में मौजूद ही नहीं और जो दर्जनों किताबें मौजूद हैं उनमें गलतियों की भरमार है। आपको डॉक्टर जाकिर नायक के उस लेक्चर की तफसीलात से मुतालिक आगाह करते हैं जिसमें उन्होंने विलियम कैंबल के दलाइल की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कुरान और बाइबल जदीद साइंस की रोशनी में के मौजू पर इस लेक्चर में डॉक्टर जाकिर नायक ने बाइबल को कुरान पाक की सच्चाई और इस किताब को इंसानियत के लिए रहनुमा किताब के तौर पर मनवाया और वहाँ मौजूद ईसाई भी हक्का बक्का रह गए, मगर कोई वक्त तमहीद में जाया किए बगैर डॉक्टर जाकिर नायक माइक पर आए और पैदर पे विलियम कैंबल के झूठे दलाइल को सच्चे दलाइल की कैंची से काटते गए। डॉक्टर जाकिर नायक ने विलियम कैंबल और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को बताया कि बुक ऑफ जिनेसर में ये कहा गया कि खुदा ने जन्नत और जमीन को 6 दिनों में बनाया। इन 6 दिनों का जिक्र दिन और रात के हवाले से है, यानी ये 24 घंटे की एक दिन की बात कर रही है। आज साइंसदान हमें बताते हैं कि कायनात की तख्लीक 24 घंटे पर मुहित 6 दिनों में नहीं हो सकती। कुरान कायनात की तख्लीक में 6 अय्याम की बात करता है। ये लफ्ज अय्याम 24 घंटे का भी हो सकता है और अरबी जबान के लिहाज से बहुत लंबा अरसा भी हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि हमें इस बात पर इत्तफाक करने में कोई एतराज नहीं कि कायनात 6 तवील अय्याम यानी लंबे अरसे में तख्लीक हो सकती थी। बुक ऑफ जेनेसर में कहा गया कि रोशनी पहले दिन बनाई गई, जो रोशनी सूरज और सितारों को रोशन करती है, और उसको चौथे दिन बनाया गया। ये कैसे हो सकता है कि रोशनी से चमकने वाली चीजें पहले बना दी जाएं और खुद रोशनी को चौथे दिन बनाया जाए? डॉक्टर साहब ने कहा कि बुक ऑफ नेसर में लिखा है कि जमीन को 3rd दिन बनाया गया, इसमें दिन और रात बनाए गए। ये कैसे हो सकता है कि जमीन को 3rd दिन बनाया, रोशनी को 4th दिन बनाया गया? क्या रोशनी के बगैर दिन और रात बना दिए गए? क्योंकि दिन और रात तो होते ही जमीन के घूमने की वजह से हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन और जो इसके मुखालिफ सम्त में होता है वहाँ रात होती है। तो जब सूरज की रोशनी ही 4th दिन बनी तो दिन और रात कैसे बना दिए गए? बुक ऑफ जेनेसर में कहा गया कि जमीन को 3rd दिन बनाया गया और सूरज को 4th दिन। आज की साइंस हमें बताती है कि जमीन सूरज के जिस्म का हिस्सा है। सूरज एक महवर है जो पूरी कायनात को अपने हाले में लिए रखता है। जमीन भी इसी कायनात का हिस्सा है, तो ये सूरज से पहले वजूद में नहीं आ सकती। जब जिस्म ही नहीं तो अकेला हाथ का क्या करना? डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि बुक ऑफ जेनेसर में कहा गया कि नबातात, जड़ी बूटियां, झाड़ियां और दरख्त 3rd दिन पैदा हुए और सूरज 4th दिन। ये कैसे मुमकिन है कि नबातात पहले वजूद में आ जाएं और सूरज उसके बाद? क्योंकि सूरज की रोशनी के बगैर तो नबातात का वजूद ही नहीं होता। बाइबल कहती है खुदा ने 2 रोशनियों को पैदा किया, बड़ी रोशनी को सूरज पर हुक्मरानी के लिए पैदा किया और छोटी रोशनी को चांद पर हुक्मरानी के लिए पैदा किया। मगर असल तर्जुमे की तरफ जाएं तो इब्रानी जबान में इन रोशनियों को चराग कहा गया है, जिनकी अपनी रोशनी होती है। और अगर इसको बाइबल से मिलाकर पढ़ें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इन चरागों को आसमान पर रखा जमीन को रोशनी देने के लिए। इस बात का इशारा है कि सूरज और चांद की अपनी रोशनी है जो कि साइंसी इल्म से मुतसादिम है। And Almighty God placed them in the firmament to give light to the earth. To give light to the earth, indicating that sun and the moon have its own light, which is in contradiction with established scientific knowledge that we have. Dr. Zakir Naik ne bataya ki Bible mein likha hai ki ya to duniya fana ho jayegi ya duniya hamesha zinda rahegi. Ye dono ek saath nahi ho sakte. Ye gair sciencey hai aur gair mantiqi bhi. Kyunki ek cheez agar fana ho jani hai to iska wajood nahi rehta aur agar wajood rehta hai to wo cheez fana nahi hoti. Lekin Bible mein ye galti bhi dohrai gayi. Bible mein likha gaya ki khuda zameen aur aasman banaye aur wo mit jane wale hain. Iske bilkul baraks Bible ki ek aur kitab mein likha hai ki zameen hamesha zinda rahegi. Dr. William Campbell se bhi इसका जिक्र किया और पूछा कि इनमें से कौन सी आयत ठीक है, मगर वो इसके जवाब नहीं दे सके थे। अभी भी यहाँ बैठे हैं मगर उनके पास इसके जवाब नहीं है। आई लीव इट टू डॉक्टर विलियम कैंपबेल टू चूज विच ऑफ द टू वर्सेस अनसाइंटिफिक, द फर्स्ट पेयर और द सेकंड पेयर। वन हैज टू बी अनसाइंटिफिक, बोथ कैनॉट टेक प्लेस। द वर्ल्ड कैनॉट
abide forever as well as perish. डॉक्टर साहब ने इस मौके पर बाइबल और कुरान का मवाजना किया और कहा कि बाइबल में और कुरान में भी एक जगह इख्तलाफ है। बाइबल में लिखा गया कि आसमान के सुतून कांप जाएंगे, जबकि कुरान में लिखा है कि आसमान बगैर सुतून के मुअल्लक हैं। बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि जमीन भी सुतूनों पर खड़ी है। साइंस इस चीज को साबित नहीं कर सकती, मगर ये कभी न कभी साबित हो जाएगा, क्योंकि कुरान खुदाई कलाम है और खुदाई कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि खुदा ने आपको तमाम जड़ी बूटियां दी हैं जिनके बीज हैं और दरख्त फल वाले हैं। आज की साइंस हमें बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दरख्त और पौधे पर लगे फल खाने के काबिल नहीं होते। इनमें से कुछ जहरीले भी होते हैं जो आपको मार सकते हैं। अगर ये बात इंसानों को साइंस के जरिए मालूम है तो क्या खुदा को मालूम नहीं होगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में लिखा गया कि सच्चे मोमिन की शनाख्त का एक तरीकाकार है। गॉस्पल ऑफ मार्क में लिखा गया कि मोमिन मेरा नाम लेकर शैतानों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, वो सांप उठाएंगे और अगर वो मोहलक जहर पी लेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जब वो बीमार पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये एक टेस्ट है जिससे सच्चे मोमिन का पता लगाया जा सकता है। जो सच्चा ईसाई है और बाइबल पर यकीन रखता है, मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों में जाती तौर पर हजारों ईसाइयों के साथ बातचीत की है जिसमें मिशनरी भी शामिल हैं। मैंने एक भी मसीही ऐसा नहीं देखा जिसने बाइबल का ये टेस्ट पास किया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जहर खाया हो और उसकी मौत न हुई हो। डॉक्टर विलियम कैंबल को भी मैं दावत देता हूँ कि वो भी आएं और इस टेस्ट में शिरकत करें। अगर वो सच्चे ईसाई हैं तो वो लाजमी पास हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने विलियम कैंबल की तरफ देखकर कहा कि आप घबराएं नहीं, मैं आपको जहर खाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इस बहस को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं इनसे सिर्फ ये कहूँगा कि वो नई जबानों में बात करें और बाइबल के मुताबिक खुद को सच्चा ईसाई साबित करें। भारत में 1000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं जिनमें से 17 सरकारी जबानें हैं। मैं विलियम कैंबल से सिर्फ ये कहूंगा कि वो 100 रुपए को 17 जबानों में बोलकर सुनाएं। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और विलियम कैंबल को दे दिया और कहा कि आप इस पर लिखी 17 जबानों में से 100 रुपए कहकर दिखाएं। मगर डॉक्टर विलियम कैंबल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। देयर आर ओनली 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड टू मेक इट इजीियर फॉर डॉक्टर विलियम कैंबल आई हैव गॉट अ 100 रुपी नोट. So if he can't say it on his own or from his memory, at least read it. I don't mind. I will accept it. And I request the chairperson to give it to Dr. William Campbell. He has his rebuttal. 15 languages. 100 rupiah, 3 words only. डॉक्टर जाकिर नाइक ने तूफान नूह से मुतालिक बाइबल की आयात सुनाते हुए कहा कि बाइबल में लिखा है कि तूफान नूह के बाद जब उनकी कश्ती जमीन पर उतरी तो खुदा ने आसमान पर कौसो कजा यानी रेनबो बनाकर कहा कि मैंने वादा किया है कि दोबारा कभी दुनिया को पानी में नहीं डुबोऊंगा। आज साइंसी तौर पर हम जानते हैं कि रेनबो तभी बनती है जब बारिश होती है। यकीनन नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हजारों कौसो कजा बनी होंगी। अगर हम ये तसव्वुर करें कि इससे पहले कौसो कजा कभी आई ही नहीं होगी तो हमें ये भी मानना होगा कि इससे पहले कभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ही नहीं जिसके जरिए कौसो कजा बनती है, जो साइंसी तौर पर मुमकिन ही नहीं। इसके अलावा बाइबल में कोढ़ के जरासीमों को घर से पाक करने का तरीका लिखा गया। इसमें कहा गया कि दो परिंदे लें, एक परिंदे को मारकर लकड़ी के साथ बांधें और दूसरे को जिंदा साथ रखें, दोनों को मुर्दा परिंदे के खून में डबो दें और इसके बाद घर पर 7 मर्तबा छिड़कें, कोढ़ के जरासीम खत्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैंबल अपने घर को जरासीमों से पाक करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, क्योंकि आज की साइंस हमें बताती है कि खून में जरासीम होते हैं और चाहे किसी का भी खून हो, ये जरासीम किसी जगह को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि बाइबल में खवातीन की पाकी और नापाकी को भी बयान किया गया। बाइबल में कहा गया कि अगर कोई औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो वह एक हफ्ते के लिए नापाक रहेगी और पाकी वापस पाने की मुद्दत 33 दिन तक जारी रहेगी। अगर वो लड़की को जन्म देती है तो वो 2 हफ्ते तक नापाक रहती है और नापाकी की मुद्दत 66 दिन तक जारी रहेगी। यानी अगर एक औरत लड़के को जन्म दे तो वो 40 दिन तक नापाक रहेगी और लड़की को जन्म दे तो 80 दिनों तक। डॉक्टर विलियम कैंबल से साइंसी तौर पर जानना चाहूंगा कि अगर कोई औरत बच्ची को जन्म देती है तो वो दुगनी मुद्दत तक नापाक कैसे रहती है। बाइबल में लिखा है कि पादरी को बर्तन में मुकद्दस पानी लेना चाहिए और इसे फर्श से मट्टी लेकर बर्तन में डालनी चाहिए और फिर इस पानी पर बद्दुआ कहनी चाहिए और ये पानी औरत को दे दे ताकि वो इसे पी ले। अगर उसके बाद वो औरत जना करेगी तो लानत उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगी और उसका पेट फूल जाएगा और रान सड़ जाएगी। अगर जना कर तकाब नहीं किया तो वो पाक साफ रहेगी।
जाएगी। आप जानते हैं कि आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, तो ये तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्यों अदालतों पर पैसे जाया करते हैं। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने किसी खातून से जिंसी ज्यादती की थी, अगर वो ये तरीका इस्तेमाल करते जो बाइबल में लिखा है तो उन्हें फौरी इल्म हो जाता कि सच्चाई क्या है। क्यों ईसाई मिशनरी खास तौर पर डॉक्टर विलियम कैंबल जैसे अफराद ने यह टेस्ट नहीं किया? हॉल में मौजूद लोगों ने कहकहे लगाए और भरपूर तालियां बजाएं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नायक अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए उन्होंने इस मजाकरे के लिए खसूसी तैयारी की थी। वो अपने साथ कुछ बैनर्स बनवा कर लाए थे जिन पर बाइबल में दिए गए आदाद व शुमार से मुतालिक लिखा गया था। बाइबल में इन लोगों से मुतालिक बताया गया जो लोग बाइबल से जलावतनी के बाद वापस आए। बाइबल में उन नामों की फहरिस्त दी गई और 60 मरतबा उन सब का जिक्र है। नाम वही है मगर उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। बाइबल के 2 चैप्टर के 60 आयात में उनकी तादाद से मुतालिक तजादात हैं। दोनों चैप्टर में 42,360 की तादाद का जिक्र है, मगर जब इनफरादी तौर पर इन नंबर्स को जमा करें तो ये 29,818 बनती है। बाइबल मुकम्मल तौर पर खुदा का कलाम होता तो इसमें कम से कम ये गलतियाँ तो ना होती। एंड इफ यू एड अप नेहमिया चैप्टर नंबर 7, इवन दैट डजंट कम टू 42,360, इट कम्स टू 31,089। डॉक्टर साहब ने मजीद गलतियों की निशानदही करते हुए कहा कि बाइबल में लिखा गया कि 200 से ज्यादा गाने वाले मर्द और औरतें, और दूसरे चैप्टर में लिखा गया कि 245 गाने वालियां और गाने वाले थे। सेकंड किंग्स में लिखा गया कि जब जवाचन ने यरूशलम पर हुकूमत की तो उसकी उम्र 18 साल थी और उसने 3 माह तक हुकूमत की। बाब नंबर 36 आयत नंबर 9 कहती है कि जवाचन जब हुकूमत करने लगा तो उसकी उम्र 8 साल थी और उसने 3 महीने 10 दिन हुकूमत की। क्या उसने 18 साल की उम्र में हुकूमत की या 8 साल की उम्र में? क्या वो 3 महीने तक पर रहा या 3 माह 10 दिन तक? फर्स्ट किंग्स में लिखा है कि सुलेमान ने हेकल में 2000 मरतबा स्नान किया। बाब नंबर 4 में लिखा है कि वो 3000 मरतबा नहाया। ये सवाल भी मैं विलियम कैंबल पर छोड़ देता हूँ। फर्स्ट किंग्स के चैप्टर 15 में लिखा गया कि बादशाह आसा हुकूमत के 26वें साल में फौत हुआ, और बाब नंबर 16 में लिखा गया कि बादशाह ने आसा की हुकूमत के 36वें साल में हमला किया। कैसे हो सकता है कि बादशाह ने अपनी हुकूमत के 10 साल बाद आसा की हुकूमत पर हमला किया? नाज़रीन, हाल में मौजूद लोग डॉक्टर साहब के दलाल से पूरी तरह मशहूर हो चुके थे और दम साधे बस उन्हीं की तरफ नजरें किए उन्हीं को सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने भी अपने दलाल जारी रखे और कहा कि मैं आपको नामुकम्मल पेशगोइयों की फहरिस्त दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर अगर जनेसर की आयत नंबर 12 पढ़े तो ये कहती है कि खुदा ने केन यानी काबिल को बताया कि तुम कभी भी आबाद नहीं हो पाओगे, आवारा बन जाओगे। कुछ ही आयत बाद कहा गया कि केन ने एक शहर तामीर किया। इतना तजाद एक ही चैप्टर में कैसे हो सकता है? इसी तरह बुक ऑफ जरमाया में लिखा गया कि डेविड के बाद उसके तख्त पर जोहाचन के अलावा कोई नहीं बैठ पाएगा, मगर 2 किंग्स वर्जन में लिखा गया जोहाचन उस तख्त पर बैठा। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं जो बाइबल आज मौजूद है वो खुदा का कलाम नहीं है? डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि बुक ऑफ आइजिया में कहा गया कि खुदाबंद खुद तुझे एक निशान देगा, वो जवान औरत जो हामला है और बेटा पैदा करने वाली है उसका नाम इमानुएल रखेगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें जवान औरत कहा गया, मगर यहाँ पर ईसाइयों को मान लें कि इब्रानी जबान का लफ्ज होने की वजह से शायद इसमें कोई गड़बड़ हो गई हो, मगर फिर भी बाइबल में कहीं पर भी जीसस को इमानुएल नहीं कहा गया। बुक ऑफ ल्यूटिक्स में कहा कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया जैसे दूध और पनीर को रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। यही चीज सबसे पहले यूनानियों ने कही थी कि इंसान को दूध और पनीर जैसे बनाया गया। ये तो किसी यूनानी किताब पढ़ने वाले ने बाइबल में बाद में शामिल कर ली। ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? बुक ऑफ ल्यूटिक्स में कहा गया कि खरगोश चबा चबा कर खाता है। आज साइंस के जरिए से जानते हैं कि खरगोश चबा चबा कर खाने वाला जानवर नहीं है, न ही उसका मैदा ऐसा है कि उसके लिए चबा चबा कर खाना जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि बाइबल में कहा गया कि चींटियों का कोई सरदार नहीं होता। आज साइंस हमें बताती है कि चींटियों में बाकायदा एक सिस्टम होता है। इनमें मजदूर चींटियां होती हैं, फिर इनके ऊपर एक चीफ होता है और फिर रानी चींटी होती है। इन्हीं तजादात की वजह से मैं कहता हूँ कि बाइबल गैर साइंसी है। एंट हैज गॉट नो रूलर, नो सीयर, नो चीफ। टुडे वी नो दैट एंट्स आर सोफिस्टिकेटेड इंसेक्ट। They have a very good system of labor. बाइबल में लिखा गया कि सांप मट्टी खाते हैं, मगर आज तक ये साबित नहीं हो सका। एक और जगह लिखा गया कि जमीन पर चलने फिरने वाले किसी जानवर को न खाना, ख्वाह वो पेट के बल चलती हो या चारों तरफ चलती हो या बहुत से पाँव पर, ये काबिले नफरत है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा इस बात पर एतराजात उठे तो ईसाइयों ने कहा कि नहीं, अबरानी से इसका गलत तर्जुमा हुआ है। असल में इसका तर्जुमा बनता है वो हशरात काबिले नफरत हैं जिनके 4 पाँव हैं।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे डॉक्टर विलियम कैंपबेल ये बता दें कि कौन सा ऐसा हशरात या कीड़ा मकोड़ा है जिसके चार पांव होते हैं। एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि हशरात के छह पांव होते हैं। इसके अलावा बाइबल में अफसानवी जानवरों का जिक्र है, गोया वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर यूनिकॉर्न, वो घोड़ा जिसके माथे पर सींग होता है। आज साइंस हमें बताती है कि यूनिकॉर्न का कोई वजूद कभी रहा ही नहीं। डॉक्टर विलियम कैंपबेल कहते हैं कि जब तूफान नूह आया तो उनकी कश्ती दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 15 फीट ऊपर थी, क्योंकि पूरी दुनिया में हर तरफ पानी ही पानी था। और ये 21वीं और 22वीं सदी कबल मसीह की बात है, मगर आज आसार कदीमा के माहिरीन हमें बताते हैं कि 21वीं और 22वीं सदी कबल मसीह में सैलाब पूरी दुनिया में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि इस दौर में बाबल का 3रा खानदान और मिस्र का 11वां खानदान भी मौजूद था और वो इस सैलाब के बाद भी मौजूद रहा। तो कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सैलाब आया हो और कश्ती के बाहर कोई जिंदा बच गया हो? और यहाँ तक तूफान नूह के कुरान पाक में तज़किरे का जिक्र है, तो पहली बात तो ये है कि कुरान में कोई तारीख नहीं दी गई कि इस सदी में सैलाब आया, और दूसरा कुरान पाक में ये नहीं कहा गया कि पूरी दुनिया में सैलाब में डूब गई। मजीद ये कि बाइबल के मुताबिक नूह को कहा गया कि एक कश्ती बनाओ 300 हाथ लंबी, 75 फीट चौड़ी और 45 फीट ऊंची, और इसके 3 फ्लोर यानी 3 मंजिलें हों। अगर आप इस साइज को देखें तो ये हो नहीं सकता कि इस कश्ती में दुनिया के हर जानदार का एक जोड़ा और साथ इंसान भी आ जाए। And the Bible says there were 3 floors. Ground floor, first story, second story. So multiply by 3, you get the answer of 101,250 square feet. That is the area. Imagine a pair of all the species of the world was accommodated in 101,250 square feet. Imagine. Is it possible? Millions of species are there in the world. गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में कहा गया कि शैतान जीसस को सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जमीन की तमाम बादशाहतें दिखाई। और आज इसको सोचे तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। आपकी नज़र में बहुत अच्छी हो, मगर फिर भी आप दुनिया की तमाम बादशाहतें नहीं देख सकते। बाइबल में कहा गया कि ख्वाब आया कि एक दरख्त आसमान की तरफ बढ़ा और इतना ऊंचा हो गया कि जमीन के हर कोने से हर कोई इस दरख्त को देख सकता था। ये तभी मुमकिन होता जब जमीन चपटी होती, मगर आज हम जानते हैं कि जमीन गोल है। तो कोई अगर गोल जमीन में दरख्त के बिल्कुल मुखालिफ हिस्से में हो तो उसने दरख्त को कैसे देखा होगा? बाइबल की कई किताबों में लिखा गया कि जमीन हरकत नहीं करती, मगर आज साइंस इसको गलत साबित कर चुकी है। बाइबल में लिखा गया कि अज़िया 22 साल का था जब उसने हुकूमत करना शुरू की। दूसरी किताब कहती है कि जब उसने हुकूमत शुरू की तो उसकी उम्र 42 साल थी। बाइबल में लिखा गया कि जोहराम ने 32 साल की उम्र में हुकूमत की, 8 साल हुकूमत के बाद 40 साल की उम्र में मर गया। उसके मरने के बाद फौरन ही अज़िया ने 42 साल की उम्र में हुकूमत करना शुरू कर दी। ये कैसे हो सकता है कि बाप 40 साल की उम्र में मर गया और इसका बेटा उसी वक्त 42 साल का है? कौन सा बेटा बाप से भी 2 साल बड़ा होता है? हॉलीवुड भी चाहे तो ऐसी फिल्म नहीं बना सकता। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। Immediately son takes over who's at the age of 42. How can a son be 2 years older than the father? Believe me, even in Hollywood film, you will not be able to produce it. बाइबल में जंग का जिक्र है और उसमें कहा गया कि बनी इसराइल के 8 लाख लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया और जोड़ा के 5 लाख लोगों ने जंग में हिस्सा लिया। मगर दूसरे वर्जन में लिखा गया कि बनी इसराइल के मर्दों में से 10 लाख लोगों ने मैदान जंग में हिस्सा लिया और जोड़ा के 10,460 लोगों ने हिस्सा लिया। इतना तजाद खुदाई कलाम में तो नहीं हो सकता। बुक ऑफ सैमुअल में लिखा गया कि मशील का कोई बेटा नहीं था, मगर दूसरे चैप्टर में लिखा गया कि मशील के 5 बेटे थे। मैथ्यू बाप नंबर 1 में लिखा गया कि जीसस के वालिद यूसुफ और उनके वालिद याकूब थे। लेवक में लिखा गया कि जीसस के वालिद यूसुफ और यूसुफ के वालिद हैली थे। क्या जीसस के वालिद के 2 बाप थे? मैं ये सवाल डॉक्टर विलियम कैंपबेल के लिए छोड़ देता हूँ। डॉक्टर साहब ये कहकर माइक से हटे और अपनी नशिस्त पर जा बैठे जो डॉक्टर विलियम कैंपबेल के बगल में ही थी। मगर डॉक्टर विलियम कैंपबेल में इतनी हिम्मत और इतने दलाइल ही नहीं बचे थे कि वो नजर उठाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी देख पाते। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।